ये नीतीश जी की पेपर पे 14वीं यात्रा है और अभी सुबह में ही मुझे किसी ने उसका शेड्यूल भेजा है। मतलब मुख्यमंत्री अपने बंगले से निकलकर प्रशासनिक काम को यात्रा का नाम दे देते हैं। भाई आप एक दिन चंपारण में बेतिया में आएंगे, कुछ अफसरों और कुछ सिलेक्टेड लोगों से मिलेंगे, अगले दिन आप मोतिहारी में हैं, अगले दिन आप शिवर सीतामढ़ी में हैं और एक एक दिन में आप हर जिले को टच कर रहे हैं। वहां पर भी कोई लंबा चौड़ा उनका पब्लिक इंटरेक्शन का कार्यक्रम नहीं है जहां तक मैं देख पाया हूं। आप लोग पत्रकार हैं, आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। उन्हीं अफसरों से जिनको वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से या पटना बुलाकर बात करते हैं उनसे आकर यहाँ बात करेंगे। जनता से कोई सरोकार है नहीं। मुझे पहले पिछले 3 दिन में जितने लोग मिले वो बता रहे हैं कि अभी से अफसर बताकर बुलाकर उनको चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भैया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इस पहली बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन, इसको यात्रा क्यों कह रहे हैं? हर दिन पटना जाएंगे ही, वहां से उड़कर उस जिले में पहुंचेंगे, तो यात्रा किस हिसाब से हो गई? मतलब मुख्यमंत्री हैं, घर से निकल गए तो यात्रा पे निकल गए, ये तो उनका डेली का काम ही होना चाहिए भाई। जनता से मिलना, वो तो अभी भी नहीं मिलेंगे, और जरा बताइए तो इस पूरी यात्रा में जनता से कहां मिल रहे हैं? वो तो अपने अधिकारियों से मिल रहे हैं, ये तो एक बेसिक ड्यूटी है। देखिए बिहार में एक चीज हुआ है पिछले 30-40 सालों में, यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं को इतना नीचे कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री घर से निकले यही बहुत बड़ी बात है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री हर दिन जिले में न जा रहे हैं? लोग हर दिन किसी न किसी जिले में डिवीजन में जा रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी घटना है जिसको आप लोग न्यूज बता रहे हैं? मतलब यात्रा वो ना कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चलने वाली यात्रा है नहीं, कोई बस गाड़ी से वो कर नहीं रहे हैं, पैदल चलने का तो बात ही छोड़ दीजिए, जनता से मिल नहीं रहे हैं। अपने अधिकारियों की समीक्षा बैठक पटना में नहीं करके बेतिया में करेंगे, पटना में नहीं करके सीतामढ़ी में करेंगे, तो इसमें यात्रा कैसे हो गया भाई? यात्रा का कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यात्रा का जो बेसिक डेफिनेशन है, डिक्शनरी मीनिंग है, कम से कम उसको पढ़ लीजिए और फिर हमको बताइए कि यात्रा कैसे है। घर से उठकर आकर एक प्रशासनिक बैठक करना यात्रा कैसे हो गई? यात्रा इसलिए हो गई कि जो साहब 10 महीने तक अपने घर से निकलते नहीं है, कम से कम 1 महीना निकलकर जिलों में जा रहे थे, उनके लिए यात्रा है।